हेलो एवरीवन, आज हम बनाने जा रहे हैं आलू के पराठे। आलू का पराठे पंजाब और उत्तर भारत का खाना है। ठंड के दिनों में आलू के पराठे का नाश्ता चटनी और मक्खन दही अचार के साथ सबसे अच्छा माना जाता है। शाम के खाने में आलू के पराठे हरे धनिया की चटनी और रायते के साथ बहुत अच्छा लगता है। आलू के स्टफिंग बनाने के लिए धनिया पाउडर, गरम मसाला, जीरा, क्लोव्स, हल्दी, मिर्ची, अदरक, लहसुन का पेस्ट, हींग पाउडर, आलू स्मैश्ड किए हुए, धनिया पत्ता, 4 कप व्हीट फ्लोर लीजिए, आधा चम्मच सॉल्ट लीजिए, डो बना के 15 मिनट के लिए ढक के रख लीजिए। एक तवे में 2 चम्मच ऑयल डालिए, लवंग को कूट के रख लीजिए, जीरा डाल लीजिए 1 चम्मच, क्लोव्स का पाउडर, हींग गार्लिक पेस्ट, गरम मसाला, चैट मसाला, हींग पाउडर, फ्राई कर लीजिए। स्मैश्ड किए हुए आलू इसमें फ्राई कर लीजिए। स्वाद अनुसार नमक डाल लीजिए। आधा चम्मच शक्कर डालिए, धनिया लीव्स डाल के फ्राई कर लीजिए। अभी आपका आलू का स्टफिंग रेडी है। आलू का स्टफिंग देख सकते हैं कितना अच्छा देख रहा है। डो लीजिए, ऑयल लगाइए, अच्छे से गून लीजिए। अभी एक छोटा गोला बनाइए स्टफिंग के लिए। अभी छोटा सा पूरी जैसे करके आलू को स्टफिंग के लिए रेडी करिए। जो भी एक्स्ट्रा डो है उसको निकाल के डस्टिंग करके हाथ से राउंड कर लीजिए, फिर बेल लीजिए। अच्छे से पराठा बेल लीजिए। तवा गरम करने के लिए रख दिया है हाई फ्लेम पे। फ्लेम बारीक बना के अभी पराठा तवा के ऊपर डाल लीजिए। थोड़ा सा तेल भी लगाइए। अभी परोटा फ्लिप कर लीजिए, ऊपर तेल लगाइए। अच्छे से दोनों तरफ सेकना है। तेल के बदले आप घी भी यूज कर सकते हैं। अच्छे से सेक लीजिए। अभी आपका आलू का परोठा टेस्टी हेल्दी रेडी है। इसके साथ आप दही, मक्खन, अचार, धनिया का चटनी ये सब खा सकते हैं। थैंक यू। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।